दिल्ली में एक्स होमगार्ड के कर्मचारी अपनी वापसी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास के बाहर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। होमगार्ड कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों और सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से उनकी वापसी नहीं की जा रही। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों में ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें 2009 में बहाल किया गया था। होमगार्ड का कहना है कि जब दूसरे राज्यों में रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल है तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में बीती रात चोरों ने दो मोबाइल शॉप को अपना निशाना बनाया। चोरों ने शॉप के शटर तोड़कर वहां से करीब 20 लाख रुपए के स्मार्टफोन चोरी कर लिए। मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कार से आए चार चोरों ने महज 5 मिनट में 20 लाख के स्मार्टफोन पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल परविंदर गहलोत की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। कांस्टेबल परविंदर ने गुरुवार की देर शाम अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। परविंदर के परिवार में पत्नी और 1.5 साल की बेटी है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार सभी 7 अलगाववादियों की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। 4 अलगाववादियों को 14 अगस्त तक और 3 को 1 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में गाड़ी की साइड मांगने पर दो पक्षों में हुआ जमकर पथराव। पुलिस की जिप्सी के भी तोड़े शीशे। पत्थरबाजी में 4 लोग घायल। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली के द्वारका पटेल गार्डन इलाके में रोडरेज के चलते शराब के नशे में धुत एक टैक्सी ड्राइवर ने पहले एक कार सवार महिला की सरेआम सड़क पर लात घूसों से जमकर पिटाई की और बाद में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर टैक्सी कार की कई दूसरी कारों में टक्कर मारता हुआ आगे निकल गया। आउटर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के धर्मपुरा कॉलोनी में भी एक महिला के बाल काटे जाने का मामला सामने आया है। जहां घर में अपने पति के साथ कमरे में सोई हुई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में चोटी कट गई। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के रोहिणी में भी चोटी कटने की घटना सामने आई है। रोहिणी सेक्टर 11 F3 नंबर कोठी में काम कर रही इस नौकरानी का कहना है कि वो काम कर रही थी कि अचानक एक काला साया दिखाई दिया और वो गिर पड़ी। जब दूसरे लोगों ने आकर उठाया तब तक उसकी चोटी अलग हो चुकी थी।